हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिएक्ट जेएस में कस्टम टोस्ट्स कैसे शो कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमने अलग अलग टाइप के टोस्ट्स हैं। ये एक लाइट थीम का टोस्ट है, ये हमारे पास डार्क थीम का टोस्ट है, ये हमारे पास एक कस्टम टोस्ट है जिसमें हमारे पास अलग सा मैसेज आ रहा है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली कस्टमाइज टोस्ट था हमारा, डिफॉल्ट थीम यूज नहीं कर रहे थे। इनमें हमारा नीचे प्रोग्रेस बार भी आ रहा है, होवर करते पर ये हमारे पॉज हो जाते हैं और हम इन्हें स्लाइड करके भी क्लोज कर सकते हैं। सो ये हमारे टोस्ट थे इन रिएक्ट जेएस, देखते हैं इनेबल कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हमारे को एक पैकेज इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम है रिएक्ट टोस्टिफाई। इसे हम सर्च करेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई एंड ये हमारा इसका npm का लिंक आ रहा है। यहां से कॉपी करेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें इंस्टॉल करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है, अब अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं यूजिंग द कमांड npm स्टार्ट। एंड इन द मीनवाइल हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं अपने जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है उसकी। चलिए सो ये डॉक्यूमेंटेशन है जिसने हमारे को यहाँ पे सेटअप करने का तरीका बता रखा है। ये रहा, इन दोनों को हमारे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इन्हें कॉपी करते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट में जाके उन्हें पेस्ट करते हैं। चलिए सो ये app.js है, इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा एक रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट से। सो रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एंड यहाँ पे हम उन दोनों कमांड्स को पेस्ट करते हैं। अब इसमें हमारे को डिव के अंदर एक बटन बनाना है। ये हमारा बटन ऑन क्लिक पे हमारा जो टोस्ट है उसे शो करेगा और इसका टाइटल हो जाएगा हमारा क्लिक मी। सो क्लिक मी एंड यहाँ पे इसका हमारे को मेथड बनाना है। सो मेथड बनाते हैं, मेथड हो जाएगा कॉन्स्ट शो टोस्ट। ओके एंड ये हमारा क्या करेगा, एक टोस्ट को ट्रिगर करेगा। टोस्ट को ट्रिगर करेगा, उसका मैसेज हो जाएगा दिस इज द टोस्ट मैसेज। ओके अब यहाँ पे हमारे को इस मेथड को कॉल करना है शो टोस्ट। एंड टोस्ट हम सिर्फ ट्रिगर करने से बात नहीं बनेगी, हमारे को जो टोस्ट का कॉम्पोनेंट है उसे भी कॉल करना है। सो टोस्ट कंटेनर यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, सेव करते हैं एंड लेट्स सी लोड हो रहा है अभी ये। सो यहाँ पे हमारा ये लोड हो गया है, देखते हैं। सो हमने क्लिक में किया, ये हमारा टोस्ट मैसेज आ रहा है। अब इसे हम स्लाइड करके भी डिसमिस कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें हमारे पास क्रॉस का मैसेज है उससे भी इसे डिस्प्ले कर सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। हम होवर करते हैं तो ये पॉज हो जाता है, नीचे प्रोग्रेस बार आ रहा है हमारा, है ना। हम इन चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंटेनर है इसमें हम पोजीशन डाल सकते हैं, यानी कि जो टोस्ट है कहाँ चाहिए। इसमें हमारे पास 6 पोजीशंस होती हैं, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट एंड टॉप सेंटर। ऐसे ही बॉटम में 6 और 3 होती हैं, बॉटम सेंटर एंड बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। हमारे को इसे बॉटम लेफ्ट में रखना है। सो बॉटम लेफ्ट की पोजीशन देंगे, सेव करते हैं एंड लेट्स सी। सो अब हमारा टोस्ट मैसेज बॉटम लेफ्ट में आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट हम चाहते हैं हमारे को इसका जो टाइम है यानी कि जितने टाइम के लिए ये टोस्ट चल रहा है उसे चेंज करना है। सो हम यहाँ पे ऑटो क्लोज का एक प्रॉप पास करेंगे, इसमें टाइम दे देंगे। इनिशियली हमने इसे दिया 1000 मिली सेकेंड्स। और एक चीज़, इसमें हमारा पॉज हो रही है जब हम उसके ऊपर होवर करते हैं, है ना। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू होती है, हम इसे फॉल्स कर देंगे, देखते हैं। चलिए सो अब हम होवर कर रहे हैं तो पॉज नहीं हो रहा, और अगर हम देखें तो अभी हमारा डिसअपियर भी विद इन 1 सेकेंड हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर दिया है ना। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे अपना ट्रांजिशन दे सकते हैं कि जो हमारा ये पॉपअप निकल के आ रहा है उसकी ट्रांजिशन क्या होंगी। इसमें हमारे पास 4 ट्रांजिशन आती हैं, पहली होती है स्लाइड, एक होती है बाउंस, एक होता है फ्लिप और एक होता है जूम। ये 4 ट्रांजिशन हमारे को मिलती हैं, देखते हैं इन्हें फटाफट से कौन कौन सी है। सबसे पहली स्लाइड, तो इसमें ये साइड से स्लाइड होके आ रहा है। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी यहाँ पे जूम की, इसमें ये जूम इन जूम आउट वाला चलेगा। और ये जो हमारी ट्रांजिशन है ये इन पे टाइम, इनके टाइम भी चलेगी, आउट के टाइम भी चलेगी, यानी कि जब हमारा टोस्ट अपियर होगा तब भी और जब डिसअपियर होगा तब भी। उसके लिए इस टाइम को बढ़ा देते हैं, 10,000 मिली सेकेंड्स कर दिया यानी कि 10 सेकेंड्स। ठीक है, देखते हैं। सो ये जूम से आया, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे फ्लिप की। जो ये बाउंस वाली प्रॉपर्टी होती है ये हमारी डिफॉल्ट होती है, ठीक है, देखते हैं। अब ये फ्लिप होके आया और ऐसे ही लास्ट है हमारे पास बाउंस, बाउंस सेव करते हैं एंड लेट्स सी। सो ये हमारा बाउंस वाला आया। अब ये जब डिसअपियर होंगे तो भी अपनी अपनी ट्रांजिशन सही होंगे। ये फ्लिप से डिसअपियर हुआ,
सॉरी जूम से, ये वाला फ्लिप से गया एंड ये वाला हमारा बाउंस हो जाएगा। हम अभी के लिए यहाँ पे स्लाइड वाला यूज कर लेंगे अपना एनिमेशन जो ट्रांजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है हाइड प्रोग्रेस बार, जो प्रोग्रेस बार है उसे हाइड करना है ना, हम हाइड करना चाहते हैं सो इसे ट्रू पास कर देंगे। डिफॉल्ट इसकी फॉल्स होती है, हमने ट्रू किया तो ये हाइड हो गई, यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं है ना। और नेक्स्ट हमारे पे यहाँ पे आता है क्लोज ऑन क्लिक। क्लोज ऑन क्लिक क्या करता है, जब हम अपने टोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टोस्ट मैसेज डिसअपियर हो जाएगा। ये जैसे टोस्ट पे क्लिक किया डिसअपियर हो गया, क्लिक किया डिसअपियर हो गया है ना। तो हाइड प्रोग्रेस बार को अभी के लिए हम फॉल्स कर देते हैं बिकॉज हम चाहते हैं हाइड प्रोग्रेस बार दिखे, सो ये प्रोग्रेस बार आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक इसमें प्रॉपर्टी होती है लिमिट की। लिमिट यानी कि हम एट द टाइम मैक्सिमम कितने टोस्ट शो करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिमिट डाल दी 5, सो एट अ टाइम मैक्सिमम 5 टोस्ट आएंगे। रिफ्रेश करेंगे सो देखते हैं सारे टोस्ट ट्रिगर कर देते हैं, मैंने 5 ट्रिगर किए, अब इससे ज्यादा ट्रिगर नहीं हो रहे। देखते हैं जब ये डिसअपियर हो जाएंगे सो उसके बाद वो अपियर होंगे। एक क्यू में टोस्ट ऐड हो जाते हैं एंड एक डिसअपियर हुआ तो एक आ गया, जैसे जैसे ये डिसअपियर होंगे उनकी जगह नए टोस्ट आते जाएंगे। मैक्सिमम लिमिट हमने 5 डाल दी, उससे ज्यादा नहीं चलने वाले। ऐसे ही यहाँ पे हम थीम सेट कर सकते हैं, थीम में हम दे देते हैं डार्क। अभी एक लाइट थीम होती है, एक डार्क थीम होती है, लाइट डार्क और एक कलर्ड, तीन थीम्स होती हैं। देखते हैं अपने इसे डार्क थीम को, सो क्लिक में किया एंड ये हमारा डार्क थीम का टोस्ट आ गया, और करेंगे सो और डार्क थीम के टोस्ट आते जाएंगे है ना। सो ये हमारे डार्क थीम थी और हमने लाइट थीम देखी। अब थोड़ी सी इसमें हम कस्टमाइजेशन देखते हैं, एक काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो टोस्ट कंटेनर है ये तो हमारा एक ही रहेगा, हम इसे मल्टीपल यूज नहीं कर सकते, बट हमारे को अलग अलग लोकेशन पे से अलग अलग टाइप के टोस्ट ट्रिगर करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां से इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं उस चीज को हम मल्टीपल कर देंगे है ना। जैसे यहाँ पे मैं कर दूंगा शो डार्क टोस्ट एंड सेम टोस्ट ट्रिगर करूंगा, सो टोस्ट दिस इज अ डार्क टोस्ट, इसे मैं कर दूंगा शो लाइट टोस्ट, लाइट टोस्ट दिस इज द लाइट टोस्ट मैसेज। ऐसे इस बटन को कर दूंगा क्लिक मी की जगह शो लाइट टोस्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा शो लाइट टोस्ट। ओके, इस पार्ट को कॉपी करते हैं एंड लाइट की जगह इसे कर दूंगा डार्क टोस्ट, और यहाँ पे भी जो मेथड कॉल हो रहा है वो हो जाएगा डार्क। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हम टोस्ट कंटेनर में जो प्रॉप्स पास करेंगे वो हर एक टोस्ट पे चलेंगे। अगर हम 10 टोस्ट ट्रिगर कर रहे हैं तो सब पे ये वाले प्रॉप्स चलेंगे, बट अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग टोस्ट पे अलग अलग प्रॉप्स हों। जैसे इस लाइट टोस्ट के केस में थीम मुझे चाहिए लाइट, सो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जिसमें थीम कर दूंगा लाइट, एंड इस डार्क टोस्ट के केस में मेरे को थीम चाहिए डार्क, सो यहाँ पे मैं थीम कर दूंगा डार्क। सेव करते हैं एंड अब देखते हैं, सो ये लाइट टोस्ट है, लाइट ट्रिगर हुआ, डार्क टोस्ट करेंगे सो डार्क ट्रिगर हुआ। हम इस तरह से अलग अलग टोस्ट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, जो चाहे जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं सारी प्रॉपर्टीज हर एक टोस्ट पे चलेंगी। जैसे मैं चाहता हूँ लाइट वाला जो टोस्ट है उसकी पोजीशन हो जाए टॉप राइट, सो टॉप राइट की पोजीशन में आए राइट वाला लाइट वाला टोस्ट। अब लाइट टोस्ट हमारा टॉप राइट से आ रहा है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रॉप्स अलग अलग टोस्ट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइम अभी हमने वापस से 5000 कर दिया है, ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि अलग अलग टाइप के टोस्ट आए, जैसे सक्सेस का टोस्ट आ जाए, वार्निंग का, एरर मैसेज का, या किसी भी तरह का है ना। सो उसके लिए हमारे को जो यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टीज मिलती हैं कुछ, हम यहाँ पे कर देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस। सो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जिसमें पहले से ही हुई हुई है टोस्ट के लिए, देखते हैं। ये हमारा लाइट टोस्ट था, ट्रिगर करेंगे सो सक्सेस वाला था, सो एक सक्सेस के लिए आइकॉन आ गया, प्रोग्रेस बार भी ग्रीन कलर का हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक होता है एरर का, एरर का होता है, सेव करेंगे देखते हैं। एरर के में रेड आ गया और आइकन भी अलग हो गया। एक होता है वार्निंग का और डार्क में डाल देते हैं इन्फो का। ये चार होती है हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज। यहाँ लाइट से हम वार्निंग ट्रिगर करेंगे येलो में, और डार्क से ट्रिगर करेंगे हम इन्फो ब्लू कलर में। तो ये चार होती हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कलर्ड थीम भी होती है। कलर्ड थीम का अगर हम यूज करेंगे तो ये कम्प्लीटली कलर्ड हो जाएगा। जैसे ये रहा, बैकग्राउंड भी अकॉर्डिंग टू द कलर ही हो गया। यहाँ पे अगर मैं कलर थीम यूज करूंगा, ये था हमारा वार्निंग का, सो इसमें कंप्लीट येलो कलर का थीम हो जाएगा, ये रहा। सो हमने यहाँ से अपने इसके बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब अगर देखें सो इसके अंदर एक आइकन आ रहा है, हम उस आइकन को रिमूव करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे आइकन को हम फॉल्स पास कर देंगे, आइकन को हमने कर दिया फॉल्स, देखते हैं।
अब लाइट टोस्ट ट्रिगर किया, आइकन इसमें से रिमूव हो गया। ऐसे ही एक चीज और होती है, हम चाहते हैं कि जो ये हमारा टोस्ट आ रहा है ये आफ्टर सम टाइम आए, यानी कि इसमें कुछ डिले आए। तो डिले के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉप होता है डिले का, हम यहाँ पर टाइम पास कर देंगे इन मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड बाद ये वाला टोस्ट जब हमारा अपियर होगा। देखते हैं, हमने लाइट टोस्ट ट्रिगर किया, ये वाला टोस्ट 1 सेकेंड बाद हमारा अपियर हुआ। यहां से हम अपने टोस्ट में डिले डाल सकते हैं, जैसे कोई हमारे को एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करना है, या लेट से हम कोई टास्क परफॉर्म करने के 5 सेकेंड बाद उसे कंफर्मेशन देना चाहते हैं। सो उस टाइप के टोस्ट हम यहां से ट्रिगर कर सकते हैं। ये तो थे हमारे डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जो जो हमारे को टोस्ट में अवेलेबल थी। अब हम चाहते हैं एक कस्टम टोस्ट मैसेज बन जाए हमारा कंप्लीटली, जो कि कस्टमाइजेबल हो। उसे कैसे बनाएंगे, फटाफट से यहाँ पे पहले लाइन ब्रेक्स ऐड कर देते हैं, सो दैट बटन थोड़े से कस्टमाइज से हो जाएंगे। इतना पार्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे ये हो जाएगा शो कस्टम टोस्ट, ये वाला मेथड बना लेंगे शो कस्टम टोस्ट का यहाँ पे। सो इस मेथड में से हमारे को एक टोस्ट ट्रिगर करना है, टोस्ट क्या ट्रिगर करना है वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे कर देंगे कस्टम टोस्ट मैसेज। इस वाले मेथड के अंदर से हम अपना जो हमारे को टोस्ट में शो करना है उस पार्ट को रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक डिव बना दिया, डिव के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज द कस्टम टोस्ट मैसेज, एंड यहाँ पे लाइन ब्रेक देके एक एंकर टैग डाल देंगे जिसमें कि हम लिंक डाल देते हैं गूगल का, google.com, एंड टारगेट दे देंगे न्यू लाइन, सॉरी न्यू पेज। सो टारगेट हो जाएगा अंडरस्कोर ब्लैंक, ओके, एंड टेक्स्ट हो जाएगा क्लिक मी, ठीक है। ये हमारा एक कस्टम टोस्ट मैसेज हो गया। इसको इस टोस्ट के अंदर हम एज अ कॉम्पोनेंट पास कर देंगे, कस्टम टोस्ट मैसेज, सेव करा, देखते हैं। सो यहां से हमारा कस्टम टोस्ट ट्रिगर होना चाहिए। सो ये कस्टम टोस्ट आया, क्लिक में आ रहा है, क्लिक करेंगे तो ये हमारे को गूगल पे नेविगेट भी कर रहा है। बट हमने देखा था इसमें कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हमने पास कर रखी थी, वो सारी चल रही हैं, जैसे कि पोजिशन बॉटम लेफ्ट थी इसकी, और हाइट प्रोग्रेस बार तो फॉल्स था। यहाँ पे हम पॉज ऑन होवर इसे ट्रू कर देंगे, तो होवर करने पे ये बेसिकली हमारा पॉज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कस्टम टोस्ट था, इसमें हम थीम भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी थीम दे देंगे कलर्ड की, बट वो वर्क नहीं करेगी, कलर्ड की थीम चलती है जब हम अपने उसमें टाइप पा देते हैं, टाइप देंगे सिर्फ तब चलेगी। यहाँ पे अगर हमने लेट से इसे कर दिया इन्फो का डॉट इन्फो, अब इसमें हमारा कलर्ड थीम चलेगा। सो ये कलर्ड थीम के साथ हमारा कस्टम मैसेज आ रहा है कंप्लीट, है ना। यहाँ पे एक प्रॉप जो हम मिस कर गए वो हमारा होता है, यहाँ पे देखते हैं, पॉज ऑन फोकस लॉस, यानी कि जब हमारी ये जो विंडो है ये कंप्लीट विंडो जब अपना फोकस लूज करेगी, यानी कि आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, तो हमारे को अपने टोस्ट को पॉज करना है या नहीं। हमने ट्रू कर दिया, देखते हैं, टोस्ट ट्रिगर किया, ये चल रहा है। हम दूसरे टैब पे गए, वापस यहाँ पे आएंगे तो ये चल ही रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे को विंडो का फोकस लूज करना है। अब देखते हैं दोबारा, अब हमारी विंडो ही आउट ऑफ फोकस हो गई, अब वापस जाएंगे तो वहीं से पिक कर रहा है। दोबारा देखते हैं, आउट ऑफ फोकस आ गई विंडो, फिर से चला तो वहीं से चल रहा है, पॉज हो रहा है होवर के ऊपर भी, तो दोनों प्रॉपर्टीज हमारी चल रही हैं, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी जनरली कम काम में आती है, बिकॉज आप किसी को अगर टोस्ट मैसेज दिखा रहे हो सो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में डिसअपियर हो जाना चाहिए, बट ठीक है, कोई वरीज नहीं है, हम इन्हें स्लाइड करके भी डिसअपियर कर सकते हैं, डिले भी डाला हुआ है हमने इस वाले में। सो आज हमने देखा React JS में हम कस्टम टोस्ट मैसेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं एंड उनमें कंप्लीट कस्टमाइजेशन विद कलर्स एंड थीम्स कैसे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।